हे गाइस, वेलकम टू बाबा सब कुछ। तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें जो नासा की इंजीनिटी मास हेलीकॉप्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नासा ने लास्ट ईयर मास पे एक लैंडर और एक हेलीकॉप्टर भेजा है। मिशन का नाम वैसे तो मास 2020 है, बट लैंडर का नाम परसिवेरेंस और हेलीकॉप्टर का नाम इंजीनिटी है। इंजीनिटी का मतलब सरलता। तो इंजीनिटी एक हेलीकॉप्टर टेस्ट फ्लाइट मिशन है जो एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है, जिसमें हमें ये मालूम पड़ेगा कि मार्स पे क्या हम कोई ऑब्जेक्ट को उड़ा सकते हैं या नहीं। तो इंजीनिटी में चार विशेष रूप से कार्बन फाइबर ब्लेड लगे हुए हैं जो कि 2400 आरपीएम की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। तो अगर हम अर्थ के पैसेंजर हेलीकॉप्टर की बात करें तो अर्थ के जो पैसेंजर हेलीकॉप्टर्स है वो कुछ 400 से 500 आरपीएम की स्पीड पर घूमते हैं, जो कि इंजीनिटी हेलीकॉप्टर से बहुत ही कम है। सो इंजीनिटी हेलीकॉप्टर विल बी द फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू अटेम्प्ट कंट्रोल फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट। कंट्रोल फ्लाइट का मतलब कमांड के थ्रू हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना, क्योंकि मार्स से अर्थ इतना दूर है कि हम उसको अर्थ से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आप पूछोगे कि भाई मार्स पे इतनी मुश्किल क्यों है हेलीकॉप्टर उड़ाना। तो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है ना, यानी कि वातावरण, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से 99% लेस डेंस है, जिसके कारण कोई भी हेलीकॉप्टर को मार्स पे उड़ाने के लिए उसे बहुत ही लाइट वेट होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ उसके जो रोटर ब्लेड्स है उनको बहुत बड़ा होना पड़ेगा। और बड़ा होके ही मतलब नहीं है, उनको इतना फास्ट स्पिन होना पड़ेगा ताकि उनको वो लिफ्ट मिल सके। अगर सब कुछ सही रहा और इंजीनिटी हेलीकॉप्टर सक्सेसफुल उड़ पाया मार्स पे, तो आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी संभावनाएं खुल जाएगी। तो आने वाले फ्यूचर मिशंस में हम लोग ड्रोन्स और रोबोटिक कंट्रोल्ड हेलीकॉप्टर्स भेज सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।